Sangmala Julie Waslam, during Amadmi Party Kargil Unity Dika Zachik press conference chik issue khachi ka bortayot daksang ma short notice ka Kargili Samshik media fraternity dika skyotayot na yinta sama ma shukriya meherbani tuje che during main issues khachi yot tena na khas kar dang chakani jakpo khachi suni notification dik bing te notification ni education department nang delte te deka ma jipsal nang yampo ngata Kargil unity aam aadmi president es analyst kum dunis ye jon lama detail na juchen tuje che a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sabaz na ngati Kargil district media fedde shukriya bet short brief notice dik skyote meherbani nga chang aam aadmi party Kargil nga baset sadir aam aadmi party Kargil district ngati आम आदमी पार्टी कारगिल अंगाचायों से दिरिंग 12 तारीख का बराबर एक साल सों से डिस्ट्रिक्ट कारगिल अंगाची ऑफिस माला अंगाचा पार्टी कायम बस है दे अंगाची दिरिंग दिया नुक मीटिंग चिन्ह बोंग अति दिक कुछ कारगिल मसाई लिखा एंता मीडिया जरे का अति अहले का मुनसपा लेप चुक पिफिया एंता बोले बस दे फेंदा स्केचेस शुक्रिया अंगतांग सा पतो कारगिल डिस्ट्रिक्ट अंगतांग जिसे कारगिल पूरा हिंदुस्तान नाम बो जा सुन जी घाटू की फिया रोड बंद हो से कनेक्टिविटी बंद हो से लुस पत देखना गाती कारगिल ला मसाइल मंगमो भी मत खास कल गाता जोजिला बंद चचा स्पुस गाती दी के पहला मसाइल जो एयर कनेक्टिविटी चीज़ जिन्हें दी के गाती कारगिल एयरपोर्ट परमिट पर उनसे गाता एयर कनेक्टिविटी में हो चास गाता एन 32 कोरियर कोरियर सर्विस गाता गामा पतो कोरियर जना चीन डाक्स के जहाज गाता तांग सोत गा गाती मी ना काबिल जहाज में कोंता खुशियों से जा गाती मी खुशते योंगत खुरे योंगत दिच गाता पतो गाती लद्दाख फिया टिकट उन चाम से मिंगा सों हिंदुस्तान ना अगर गाता दिल्ली ना स्विट्जरलैंड लचना 28,000 टिकट चुक दिल्ली ने ले उन्हें 40,000 45,000 टिकट चुक देख सकते हैं गल सुन गति पूरा टी लदा हमीना खास कर गता डिस्ट्रिक्ट कारगिल में ना दी जहाज में चास बहुत बड़ा मुश्किल है तो पहला मसाइल जो गचा जहाज सी गति कारगिल एयरपोर्ट पो दान नदी के एयरपोर्ट के जहाज बस पर घुस बाकी चलो छो जहाज फाम में ना कम से कम मंत्रा जहाज सरपिंग इसम चो सुन खो मंत्रा जहाज तो गा मिल ला जरूरत खो यूं में मजबूरी दुन दे यूं स्थिति के लेप से गति मुश्किल तो हाल चुक देर के अपने सर गाती दूसरा मसाइल योजी का गाती हॉस्पिटल हॉस्पिटल या नुक जो कम से कम अल्लाह की फजल से गाती दी का 300 बेड हॉस्पिटल छः हॉस्पिटल जिस नंबर दिसंबर इब्तदा बस गाता यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एल जी यूटी लद्दाख दोनों गाती मोहकमे हेल्थ इतम से अफसर दोनों गामी शुक्रिया मगर दी हॉस्पिटल पो दक्षा ना गाता 300 बेड सिर्फ मी के जहाज दो खास फंक्शनल मिंदुक दिया गाता काफ़ी मुश्किल छे लोग दिया नुक एकमेंट्स दुख पर एकमेंट्स टू लमी मिंदुक स्टाफ मिंदुक छान दो निकांग ताजा तंग मर घुसुक देर के अपने सर गाती कारगिल लो दक्षा जो गाता रिकमेंड चिया गाता 5 अगस्त 2019 के ना यूटिल दान निर्गत ना गाता कारगिल लो रिकमेंड चाम से बिंग ना एज ए सी थ्रू बिंग दी एज ए सी थ्रू बिंग चास्पुस नानी चाम से रिकमेंड बिंग सेट दे रिकमेंड में गाती सुन ला काफ़ी मुश्किल सौ चिकपा दिखे सेंटर जख जो दिल्ली चंडीगढ़ जम्मू फरिस छा ना खो दो ने एग्जाम अच्छा खुआ गाती कारगिल कौंसल तरफ ना हमैदों यो ना खुआ अच्छा यो काफ़ी मुश्किल सौ छा ना सबसे पहले दी रिकमेंड फिर गाती दिखा सेंट्रल दान दिखे सुन ला इंट्री छर घोसुक दो ना गाती दे गुंजा खोरा सोशल मीडिया का गाती वायरल सौ की कम से कम 750 फार्म रिजेक्ट बसुक दो सौ से निका गाती यूटी गवर्नमेंट ने गुजारी जिन डॉक्टर बी डी मिश्रा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा कि दिखा गाची दिपसुन नाम बोला इंसाफी शामिल गोस खो इंसाफ सोचो खो सगा नाम बो खो खो फारा मुन दिया नो एक्सेप्ट चार गोसो देर के अपने उत्सर गाती जे जी एम गाती हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी जे जी एम जरे सिक्किम चोस दे सिक्किम मुनिया फर्स्ट क्लास गाती यूलू लास गोस गो छुलप चो जेस जामे खाचिक दुन ले सोशल मीडिया का गाती वायरल सॉन्ग जू सांग को तो जगह ला 2 किलोमीटर जे जेम यो तीन दक्षिण छुस कर गोसन दुक
बाकी अति डिस्ट्रिक्ट कारगिल 70% जगह दखन जे जे मिला सुन मलदान मदोने के लास जाल आजाद शुरू सों से पब्लिक मुश्किल हाल चार को सुख चेर गुल ना आता छी काफ़ी मुश्किल देर के अपने सर आती मारूफ सामाजिक कारकुन अटैक टीचिस दी अति कारगिल अटैक तंग तालीमी निज़ाम इसकोला खुआ पता सुन अति कारगिल ना डिस्ट्रिक्ट कारगिल ना कई मास्टर बाहर लखेर दुख जरे खो आटे जरे का सोशल मीडिया का अति एल जी साख पलेप से अति हलका मुनिस एल जी ऑफिस ना देर के अपना अति डायरेक्टर यूटी लद्दाख साहब यहाँ शुक्रगुजार खो दिखा फॉरन एक्शन बस नोटिस फीस दी रिगार्डिंग दी अटैचमेंट ऑफ टीचर्स रिगार्डिंग दे करना देर के अपने सर अति सी सी कारगिल साहब यहाँ शुक्रगुजार खोन से दिखा प्रेस का कॉन्फ्रेंस थैंक्स देर के अपना अति सी ओ कारगिल साहब नोटिफिकेशन चिपिंग गाँव मास्टर बाहर ला अटैच हो दो अति कारगिल लाल जो से खोज जरे मगर दे इंसाजोल कम बेच सा दे नोटिफिकेशन मगर दे खो शख्सिक जो इंदी दी मीडिया जरिका बसत कारगिल आम आदमी कन्दरे नाजम से दी फिर चुपल चुप खाचन छे से दी खो स्टेटमेंट पे आनो खो दे लेटर छाचक खो फेरा कब से तंग से दुख ची दुख जरना अति कारगिल डिस्ट्रिक्ट आनो जो अति डिस्ट्रिक्ट कारगिल इंटर डिस्ट्रिक्ट खुरी आनो काफ़ी मास्टर अटैच हो गान जैसे कि संग को नहीं हो सो कारगिल और द्राज नहीं हो सो चिकता नहीं हो सो कारगिल अति कारगिल हेडक्वार्टर का अता पता प्रेड स्कूल मोहम्मद जबकि गवर्नमेंट स्कूल कम होत छाने प्रेड स्कूल फ्री एनरोलमेंट पर ज्यादा होत गवर्नमेंट स्कूल फ्री एनरोलमेंट उन कम दुख दे ना मास्टर पर मोहम्मद फ्रू कम दुख गवर्नमेंट स्कूल आनो कारगिल टोन आनो जबकि टोन से बाहर रोलर एरिया ने आनो रुजू अति स्टूडेंट ज़्यादा दुख दे अनुक मतलब एनरोलमेंट पर ज़्यादा दुख टीचिंग फैकल्टी मास्टर कम दुख छाना मेहरबानी अति जिनाब एल जी लेफ्टिनेंट डॉक्टर मिश्रा साहब दोनों अति हलका डिपार्टमेंट तालीमी छो अकमन क्योंकि अच्छा आम आदमी पहला मैनिफेस्टो सर एजुकेशन हेल्थ दिखा पहला मैनिफेस्टो बाकी कारगिल यूटी लद्दाख बाकी डिपार्टमेंट नो खो अता चीज जामे सब अता सब कर लो पले पता पा मा दुनिया नो अचस सब और बातचीत दुनिया अचस अतं कर लो इन सब ये नुदी एजुकेशन डिपार्टमेंट क्योंकि जिनाब तालीम ही दो सौ चीशीन गा कर आती मुस्तफ़ी फुलदानक देखिए आती डॉक्टर बी डी मिश्रा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों कमिश्नर सेक्टर एजुकेशन दोनों आती यूथ पे बाकी डिपार्टमेंट अफसर दोनों आती कारगिल खास कल यूटी लद्दाख डायरेक्टर दोनों सी सी काचो फिरोज खान साहब गंगा गुजारी इंटर डिस्ट्रिक्ट दिया उन्होंने ट्रांसफर छार घोसुक ये जबकि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पुख दिया स्थान मिंदुक दोनों यहाँ सच्चे तंग पूरा मेडिकल फैकल्टी शुक्रिया बेद की मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। सर आम आदमी पार्टी जो है आज से जो एक डेढ़ साल पहले बनी थी वही के वही चार पांच आदमी पर डिपेंड है कमेटी के, इसको आप इम्प्लीमेंट कब कर रहे हैं और इसको अगले आने वाले इलेक्शन आने वाले इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जनाब यह सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी हमारा ये हुकूमत आया है 2012 में दिल्ली में, तो दिल्ली में आया है दिल्ली में हमारा इस वक्त हम हिंदुस्तान के दो जगह हम लोग का अभी पार्टी हमारा हुकूमत कर रहा है दिल्ली और पंजाब। पहले तो हमारे पार्टी बिल्कुल नेशनल पार्टी नहीं था, अभी हमारा शुक्र अल्लाह का कि हमारे पार्टी नेशनल पार्टी बन चुका है। तो अब आपका बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा अभी मैं इसमें हम लोग जो जब हमारे कोई नया चीज़ आता है अब हम तो खुद इस पर परेशान हैं क्योंकि कारगिल में हमारे साथ इतना अभी आदमी जुड़ा नहीं, हमारे सिर्फ मेंबर लगभग 800-900 है। तो हम भी यही सोचते क्योंकि हमारा कुछ मैनिफेस्टो गलत ही था, हमारा अच्छे अच्छे चीज़ों पे हमारा एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, पब्लिक रिलेटिंग पे हमारा पहला मैनिफेस्टो उन पे है, करप्शन है, तो उन चीज़ों पे हमारा मैनिफेस्टो रहा है। मगर हम खुद इतना नहीं क्योंकि अब हमारा कारगिल में जो काफ़ी बड़ा पार्टी दो पार्टी है हमारा जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, ये काफ़ी पुराना और बड़ा पार्टी है। तो अब हम अपने मेंबरशिप हम ड्राइव चला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन तक भी हमारे काफ़ी मेंबरशिप होंगे और 2023 में हमारा मंशूर है कि हम पूरा 23 सीट पे हम काउंसलर हमें कॉन्टेस्ट करना है और जानकार का 3-6-20 ये हमारा मंशूर हमारा मैनिफेस्टो में डिसाइड हुआ है। क्या किसी कारगिल के बड़े पॉलिटिशियन के साथ आप लोगों का बातचीत चल रहा है आने वाले इलेक्शन
अभी तक तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मगर हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी जो अच्छे लोग हैं करगिल के, जितने अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जिनको डेफिनेटली करगिल की मुस्तकबिल के बारे में सोच होगा, तो करगिल को डेवलप करना चाहता होगा, हमसे डेफिनेटली जोड़ेंगे। हमें उम्मीद यही करते हैं कि हम इतना हम अप्रोच नहीं कर रहे कि हर आदमी से कि हमारे आम आदमी पार्टी, दुनिया को पता है कि आम आदमी कैसा है, आज का जो हिंदुस्तान पूरे में पता है कि आम आदमी पार्टी की क्या अभी पोजीशंस है, और हिंदुस्तान में जितने भी आज तक जो लीडर आए हैं जिन्होंने भी जो डेवलपमेंट के बारे में बात किया है, ये खासकर जो जो आम आदमी पार्टी के जो मेन जो मकसद है वो एजुकेशन और हेल्थ है, तो इस पर बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाला कल जो हमारा होगा यहाँ पर जो करगिल का जो होगा, तो वो हम चाहते हैं कि ऐसा ही जिस तरह से दिल्ली में स्कूलिंग की डेवलपमेंट हुआ, उस तरह हमारे यहाँ के भी स्कूलिंग की डेवलपमेंट हो। अभी हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो इंतजामा ये कहता है कि हमारे पास इतने फंड्स है, जो हमारे एमपी साहब भी बहुत चिल्ला के बोलता है, हमारे काउंसिल्स दोनों भी बोलता है हमारे पास फंड्स है, हम कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे पास इतने स्कूल्स है, उन स्कूल की पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसके बाद फिर उसमें कितने फैकल्टीज है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो करता नहीं है। जब आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में जब ये आम आदमी पार्टी आया था, तो जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो एजुकेशन पर जब फोकस किया, तो एजुकेशन से कितने टीचरों को उन्होंने सिंगापुर और कई जगहों पर उनको ट्रेनिंग करवाया, और यहाँ पे भी हो सकता है। अगर वहाँ पर इतना फंडिंग है, हम क्यों ना अपने टीचिंग को ट्रेन कर सकते हो, क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट लगा के स्कूलों को अच्छा नहीं बना सकते हो? तो सबसे ज़रूरी ये है कि हमें सबको एक होना है, यूनाइट होना है, समझना है, सोचना है कि हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। ये तो हमारे आवाम के ऊपर डिपेंड है कि आवाम क्या सोचता है। आवाम यही जो सालों से या 50 साल से 60 साल से जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के पीछे जाएगा, तो हम मुझे तो ये नज़र नहीं आ रही कि भाई हम डेवलप होगा। अगर हमें हमारे आवाम शुरू होना बहुत ज़रूरी है, आवाम को यकजहती होना बहुत ज़रूरी है, आवाम को देखना ज़रूरी है कि कौन सा सफ़ेद है कौन सा काला है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाला जो हमारा जो यूथ है, हमें उम्मीद यही है कि हमारे यूथ इस पे बहुत बड़ा फोकस करेगा, और हम अपने इलाके के पूरे आवाम से भी यही उम्मीद है कि भी वो इस साल जो आने वाला जो इलेक्शन होगा उस पर अच्छी तरह से वो स्टडी करेगा। आज तक हमारे जितने भी लीडर्स आए, काउंसिल्स आए, या जो भी हमारे जो लीडर्स आए, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, अब आने वाले में हमें क्या चाहिए, तो वो हमारे आवाम पर डिपेंड है, वो आवाम डिसाइड करेगा। अगर करे तो हम तो यही सोचते हैं कि भाई करगिल के ऐसा कोई भी हमारे लीडर बुरा नहीं है, अगर वो लोग अच्छी मन से अगर करे उसके लिए, तो हम सबसे अभी अप्रोच हम सबसे करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पे जो पहले था पीडीपी का था, पीडीपी बिल्कुल ख़त्म हो गया। सेम मुझे यही हालत लगता है कि कल को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही हाल ना हो, तो हम चाहते हैं कि भी हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो भी आप लोगों को चाहिए, जिनको करप्शन नहीं करना और करगिल के डेवलपमेंट करना हो, हम उन सबको वेलकम करते हैं। सर, किस तरह देखते हो फ्यूचर को आम आदमी पार्टी की करगिल में, लद्दाख इन जनरल एंड करगिल इन पर्टिकुलर? हमें इंडिकेशंस और अंदाज़ा तो हमें इतना लोगों से मिल रहा है कि यही जो पार्टी है जो आने वाले हिंदुस्तान के लिए, लद्दाख और करगिल तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान के लिए यही एक वाहिद पार्टी है जो हिंदुस्तान की अच्छी डेवलपमेंट कर सके खासकर। और हम तो यही चाहेंगे कि अब हमारे लोग भी इसी को सोचे तो बहुत अच्छी है। तो करगिल में भी हमें तो उम्मीद यही है कि हमारा नया जनरेशन तो बिल्कुल चेंज आएंगे। सर, आप आम आदमी पार्टी अभी जो डिमोलिशन का जो वैली में जो ये चला है, लोगों में खौफ है, वहाम है, तो करगिल में भी है, इस वक्त आपके बैकग्राउंड में जो ज़मीन है राइट पे है, उसको लेके आप क्या आपकी पार्टी की नज़र देखती है इस बात पर? हमारे पार्टी का इतना इस पर इतना मैं ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगा, फिर भी अभी का जो डिमोलिशन जो श्रीनगर में चल रहा है या जम्मू में चल रहा है या कई और जगह पर चल रहा है, ये तो एक जो बीजेपी की जो एक किस्म का वो बौखलाहट है। बीजेपी चाहता है कि भी अपना जो उन्होंने एक वादा किया था कि हम क्लीन करेंगे, अब वो सिर्फ ये इलेक्शन के टाइम जो 24 आने से पहले ये लोग कोई ड्रामा शुरू कर रहा है, ये तो कोई इतना सही मुझे तो नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी कोई ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा, सोच के करेगा, समझ के करेगा और पूरा स्टडी करके करेगा जो भी अगर हाँ गलत होगा तो डेफिनेटली हम इसको गलत बोलेंगे, सही के साथ हम तो कभी वो वैसा नहीं होगा। अपोजिशन का रोल किस तरह अदा करोगे आम आदमी पार्टी करगिल, जिस तरह अगर हम देखा जाए तो अपोजिशन नहीं हम आप लोगों को गिनेंगे सर, तो आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्योंकि माहौल तो पूरे खत्ते लद्दाख का आप लोग देख रहे हैं सर, एग्रीगेशन के बाद फुल फ्लेज लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, तो किस तरह के अपोजिशन के रोल आप लोग अदा करोगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्लानिंग आप लोगों ने बना रखी है?
हमारा जो अपोजिशन का रोल होगा वो बिल्कुल पॉजिटिव वे से अपोजिशन का रोल होगा। हमारा कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई ये जो पार्टी कुछ साल पहले थे जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वैसा ट्रेंड नहीं होगा। हमारा होगा असली अपोजिशन हमारी हर डेवलपमेंट पे होगा या एजुकेशन पे होगा, फोकस हमारे जो पॉजिटिव जो डेवलपमेंट पे होगा उन चीज़ों में हम डेफिनेटली खुल के बोलेंगे और बिल्कुल निरार होकर बोलेंगे उन चीज़ों पर। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.